जागी आँखों का बादल, देखो कितना है पागल। धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है, दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी कहूँ एक दिया, जिसमें बाती नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये दिल। मगर मामा, अगर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी तो मैं कहां रहूंगी, किसके पास? मैंने कहा ना बेटा, ये मेरी मजबूरी है, वरना मैं ऐसा कभी ना करती। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं। मैं बहुत मजबूर हूं बेटा, बहुत मजबूर हूं। लेकिन मामा, मुझे पता तो चले कि मैंने कहां रहना है। आपके साथ एहसान अंकल के घर नहीं रहना तो फिर कहां मामा? बेटा कोई ऑप्शन तो है नहीं, तुम्हें मदीन भाई के घर रहना होगा। हाँ बेटा, हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, जबकि अभी तो मदीन भाई से भी बात करना है, क्योंकि राबिया भाभी का तो तुम्हें पता ही है। मगर मुझे पूरी उम्मीद है मैं मदीन भाई को मना लूंगी और मदीन भाई राबिया भाभी को राजी कर लेंगे। उन्हें राजी करना ही होगा, आखिर खून हो तुम उनका, उनके सगे भाई की औलाद। मामा, मैं मदीना अंकल के घर कैसे रह सकती हूँ? आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि वो मामा वो वहां सब जानती हूँ बेटा, और इसीलिए परेशान भी बहुत हूँ। मगर तुम ही बताओ मैं क्या करूं, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें मदीन भाई के घर ही जाके रहना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इशारों कनाइयों में मदीन भाई को ये बात समझा दूं, ताकि तुम्हें वहां किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा कोई चारा नहीं। मगर मामा, बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं, एक ही महीने की तो बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे एक ही महीने के अंदर अंदर जॉब मिल जाएगी, जैसे कोई बंदोबस्त होगा, और मैं अपने नए घर में शिफ्ट होंगी तो मैं फौरन आकर मदीन भाई के घर से तुम्हें ले जाऊंगी। मगर मामा, मामा मैं उनके घर नहीं रह सकती। तुम बड़ी हो, समझ सकती हो, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें मदीन भाई के घर ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है? छोड़ के चले गए। मैं इस तरह से जिंदा नहीं रह सकती मम्मी, मुझे भी अपने पास बुलाने, मुझे भी अपने पास बुलाने। मम्मी
आपी आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपी मैं आपको बहुत मिस करूंगा, आप प्लीज जल्दी से हमारे पास आने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी इमरान, हम बहुत जल्द साथ रहेंगे। आपी आप प्लीज हमसे कांटेक्ट में रहिएगा, मैं फिर भी आपको फोन करता रहूंगा। नेहा रेडी, मुझे वापस आकर सामान के सिलसिले में 2-3 चक्कर भी लगाने हैं। नेहा बेटा जल्दी कर लो, देर हो रही है। जर्द पत्ते सा ये दिल। तुम प्यार से मेरी बात मान जाओ तो मैं जबरदस्ती ना, लेकिन लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो नेहा, क्या बात है नेहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मामा पानी पी रहा है। Thank you.
नेहा, ये लो बेटा। मामा मैं वहां के घर नहीं जाऊंगी मामा, मैं वहां पे नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी मामा। मामा प्लीज, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं इमरान रेहान और आपके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज मामा मुझे वहां पे मत लेके जाएं, प्लीज। नेहा नेहा हौसला रखो ना बेटा, मैंने तुम्हें कहा ना मजबूरी है, जो ही घर का इंतजाम होगा मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगी। प्लीज मामा, मामा आपको पता है ना वो आपने मेरे साथ क्या किया था, मामा वो शैतान है, वो दरिंदा है, मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मैं वहां पे नहीं जाऊंगी मामा, मामा मैं वहां पे नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी मामा, प्लीज प्लीज मामा मुझे नहीं जाना मामा, प्लीज प्लीज। नेहा अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करो, सिवाय इसके कि तुम्हें भी अजियत हो और मुझे भी, हम कुछ नहीं कर सकते, सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने है, मैं मजबूर हूँ। तुम हौसला रखो बेटा और अपने आप को संभालो। मैंने कहा ना मैं मतीन भाई को इशारों में समझा दूंगी, तुम फिक्र ना करो, और फिर मैं वहाँ आती जाती रहूँगी ना, हमारा फ़ोन पे भी तो रबता रहेगा। हौसला करो बेटा, ये ज़िंदगी का इम्तिहान ही सही, मगर इस इम्तिहान से हमें गुजरना तो है ना, हौसला। चलो शाबाश, अपने आंसू साफ करो। वालेकुम अस्सलाम रमा, तुम बैठो बैठो बैठो। अरे नेहा बेटा, आओ 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 बेटा, वहां क्यों खड़ी हो, आओ बैठो बेटा बैठो। कैसी हो नेहा? मैं ठीक हूँ अंकल। अरे शायद सदरा दो कप चाय तो मंगाना जल्दी से। मतीन भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे कैसे ज़रूरत नहीं है, असल में मैं आपके पास इस वक्त एक ज़रूरी काम के लिए आई थी। हाँ हाँ बोलो रमा, खैरियत तो है? खैरियत तो खैर नहीं है, बस आप पर एक जिम्मेदारी डालनी थी। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? मतीन भाई वो मालिक मकान घर खाली करा रहा है, और अब आज के आज ही घर खाली करना है। ओ, अच्छा 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 जी, और पैसे बिल्कुल भी नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई छोटा मोटा घर लेकर ही शिफ्ट हो सकूं, लिहाजा मैं रेहान और इमरान एहसान भाई के घर शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, तो ये बात है जी, लेकिन मसला ये है कि वहाँ भी एक ही कमरा है, इसलिए नेहा को आपके पास छोड़ने आई हूँ। क्या मतलब? मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं एहसान भाई के घर में रह रही हूँ और कोई छोटा मोटा घर लेकर शिफ्ट नहीं हो जाती, तब तक आप नेहा को अपने पास ही रखें। ओ रमा, मुझे तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन मेरा घर जी, मैं जानती हूँ आपका घर भी बहुत छोटा है, मगर उस वक्त तक किसी ना किसी तरह आप ही को मैनेज करना पड़ेगा। एहसान भाई की तरफ नेहा किसी सूरत भी नहीं रह सकती, आप ही बताएं
जवान लड़की को आखिर किसके घर छोड़ूं? आपके मरहूम भाई की बेटी है, इज्जत है आप लोगों की, आप नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा? ठीक है रमा, तुम फिक्र ना करो, कोई बात नहीं है, तुमने ठीक कहा, नेहा आखिर मेरा खून है, मेरे मरहूम भाई की औलाद है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं रख लूंगा इसे। जर्द पत्ते सा ये दिल। कितना है पागल, धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी कहूँ एक दिया, जिसमें बाती नहीं फिर भी जलता है। कभी का सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये